Good morning to you all. How are you all? Fine. Okay. So students, today we are going to study subject grammar of class 2. Yes, so in the previous lecture we have studied up till page number 1313. Lesson number 2 padha tha na humne, naming words. Page 13 tak padha tha, ab uske aage padhenge. See, take out this workbook. Yes. Now page number this one 14 here. Now see what you have to do. क्या है पहले हेडिंग पढ़ो री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग द गिवन क्वांटिटी और डिटरमाइनर इंस्टेड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. अब यहाँ पे तुमको जो क्वेश्चन लिखा है उसमें तुमको एक हर क्वेश्चन में एक अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है? तो उस अंडरलाइन वर्ड की जगह पे तुमको यहाँ जो वर्ड दिया है वो यूज करना है. जैसे फर्स्ट में है देयर इज सम आइस इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है? और सम है, सम की जगह पे क्या है देखो, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वहां पे तुमको सम के नीचे अंडरलाइन दिखेगी, तो इसके नीचे इसकी जगह पे तुमको ये वर्ड यूज करना है ए लॉट ऑफ. तो हम कैसे लिखेंगे आंसर देखो, सी देयर इज, पूरा क्वेश्चन में से लिखना है ना, देयर इज सिर्फ किसकी जगह पे ये लिखोगे तुम लोग, देयर इज ए लॉट ऑफ, सम निकल जाएगा उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे ए लॉट ऑफ, फिर आइस इन द रेफ्रिजरेटर, पूरा क्वेश्चन में से आइस इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है? समझ में आया कैसे करना है? दिस इज वेरी इजी. सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह पे तुमको ये लगाना है, बाकी पूरा क्वेश्चन में से कॉपी करना है. अगेन देखो देयर इज सम आइस इन द रेफ्रिजरेटर, ये हमारा क्वेश्चन है, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे देयर इज ए लॉट ऑफ आइस इन द रेफ्रिजरेटर, हो गया? अब देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर में क्या है, शी हैज ए ब्यूटीफुल डॉल. ए की जगह पे अब ए जो है वो डार्क ब्लैक कलर में दिया है, ठीक है? तो उस ए की जगह पे हमको क्या लिखना है, थ्री यूज करना है. सो ऐसे लिखेंगे शी हैज, ए निकाल लेंगे उसकी जगह पे, She has three doll, three beautiful doll. हो गया, समझ में आया? This is your answer. A निकाल के उसकी जगह पे three लिखना है. So she has three beautiful doll है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे A था, तो A की doll थी इसलिए doll लिखा था. अब three है तो dolls हो जाएगा. समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, आई गेव माई फ्रेंड अ बिस्किट. ओके, आई गेव माई फ्रेंड अ बिस्किट. सो अब बिस्किट की जगह पे बिस्किट के लिए तुमको वर्ड यूज करना है मैनी, राइट? सो यू विल राइट लाइक दिस, आई गेव माई फ्रेंड मैनी बिस्किट्स, है ना? पूरा क्वेश्चन में से सिर्फ बिस्किट के आगे मैनी लगाना है और बिस्किट्स लास्ट में एस लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस. नाउ फोर नंबर, देयर इज सो मच वाटर इन द लेक. ओके, सो सो मच की जगह पे तुमको यूज करना है, सो देयर इज लिटिल वाटर इन द लेक, है ना? सो मच लिखा हुआ है उसकी जगह पे लिटिल यूज करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहने देना है. अब देखो फिफ्थ नंबर कैसे है, जया हैज वन ब्रदर. तो जया की जगह वन की जगह पे तुमको क्या लिखना है, टू लिखना है. सो लाइक दिस यू विल लिख, जया हैज टू, वन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, टू ब्रदर है, वन ब्रदर है तो ब्रदर्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है, तो प्लूरल हो जाएगा लाइक दिस. अब देखो नीचे क्या है एक्सरसाइज ई में, राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सर्कल दोज व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड. तुमको लिखना है जो यहाँ पे चीजें दी हुई है उसके नेम्स तुमको वन बाय वन लिखने हैं. ओके, यू हैव टू राइट एंड देन आफ्टर यू हैव टू सर्कल दोज थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, जो चीजें काउंटेबल है जिसको काउंट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट क्या लिया है देखो, यहाँ पे क्या है, हनी, हनी मीन्स शहद होता है, राइट? सो यू विल राइट इन द फर्स्ट वन,
lollipops, right? So in the second one you will write lollipops. Clear? Now third number. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, बाउल पे ही लिखा हुआ होता है राइस. राइस मीन्स चावल, है ना? यू ईट राइस एवरी डे. यस. अब फोर्थ देखो क्या है, वॉट इज इट? सॉल्ट. सॉल्ट मीन्स, सॉल्ट मीन्स नमक, है ना? तो तुमको स्पेलिंग लिखने यहाँ पे, जैसे फर्स्ट है हनी, तो हनी का स्पेलिंग HONEY, हनी. सेकेंड क्या है, लॉलीपॉप, है ना? सो LOLLIPOPS, lollipops. Next is RICE, rice. और SALT, salt. अब फिफ्थ नंबर पे देखो क्या दिया है, sugar. Sugar है और लास्ट सिक्स नंबर में है French fries. है ना? पता है ना French fries क्या है? Yes, सबको French fries पता पसंद है और पता भी है French fries किसको बोलते हैं. When you go to see a movie to a cinema hall, है ना, तुम लोग फ्रेंच फ्राइज लेके जाते हो ना मूवी हॉल में. यस. अब इसमें से जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे लॉलीपॉप से, इट इज लाइक दिस गिवन. ठीक है, तो ये लॉलीपॉप से इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये कितनी लॉलीपॉप्स हुए, 5. तो ये काउंटेबल है, तो इस पे सर्कल नहीं करेंगे. अब हनी है, तो शहद जो होती है वो तो हम चम्मच से लेते हैं ना, शहद कभी काउंट कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4 नहीं काउंट कर सकते. तो जो काउंट नहीं कर सकते उस पे हम करेंगे सर्कल. अब लॉलीपॉप्स तो हम काउंट कर सकते हैं, तो उस पे सर्कल नहीं करेंगे. अब है राइस. तो राइस तो इतने छोटे छोटे दाने होते हैं, बिल्कुल छोटे 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 छोटे. सो वी कैन काउंट राइस, नहीं हम चावल भी काउंट नहीं कर सकते, तो उस पे भी सर्कल करेंगे. फिर है सॉल्ट, नमक. नमक काउंट कर सकते हैं? नो, वी कांट काउंट इट. एंड नेक्स्ट इज शुगर. तो शुगर भी हम काउंट नहीं कर सकते. अब इसकी जगह पर फ्रेंच फ्राइज होगी, सो यू कैन काउंट 1 French, 2, 3, 4, 5. तो काउंट कर सकते हैं ना, 5 फ्रेंच फ्राइज इस तरह से. समझ में आया? तो जो चीजें काउंट नहीं कर सकते उस पे हमको सर्कल करना है. अब पेज टर्न करो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है. अ नाउन इज द इन द मैस्कुलाइन जेंडर इफ इट डिनोट्स मैन, लाइक सन, अंकल, फादर. ओके. अ नाउन इज इन द फेमिनाइन जेंडर इट डिनोट्स अ फीमेल, लाइक गर्ल, डॉटर और अ मदर. अब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन क्या होता है? मैस्कुलाइन मीन्स जब हम किसी इंसान, मीन्स जब हम किसी मेल पर्सन, जैसे बॉय है, फादर है, अंकल है ना, तो उसको हम बोलेंगे मेल पर्सन, मैस्कुलाइन जेंडर. अब जब फेमिनाइन होगा तो फेमिनाइन मीन्स हमारी मम्मी होती है, सिस्टर होती है, टीचर होती है. टीचर तो कॉमन जेंडर होती है, सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकती है ना, बट मम्मी है, ग्रैंड मदर है, आंटी है ना, तो वो सब लड़की, गर्ल्स होती है. सो दैट इज अ फेमिनाइन जेंडर. अब यहाँ पे तुमको जो वर्ड्स दे उसका फीमेल तुमको मैस्कुलाइन लिखना है. जैसे फर्स्ट में है पीहेन, तो पीहेन का मैस्कुलाइन क्या होता है? पिकॉक होता है ना, पिकॉक होता है. तो उसकी जो फीमेल होती है उसको पीहेन बोलते हैं. तो पीहेन दिया है तो क्या लिखेंगे? पिकॉक लिखेंगे. अब नेक्स्ट है सेकेंड नंबर सिस्टर, तो सिस्टर के लिए ब्रदर, है ना. फिर थर्ड नंबर है काउ, काउ है तो काउ के लिए बुल. फोर नंबर, नाउ इट इज गिवन वुमेन, वुमेन दिया है तो वुमेन के लिए मैन यूज करेंगे. अब फाइव नंबर देखो क्या है, क्वीन है. क्वीन मींस जो राजा की वाइफ होती है, यस, तो उसके लिए हम मैस्कुलाइन, मेल जेंडर क्या आएगा? किंग आएगा. अब सिक्स नंबर देखो आंट है, तो आंटी होती है, चाची होती है ना, तो चाची के जो हस्बैंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आंटी के हस्बैंड को अंकल.